नेचर व्हीकल इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे जो हमने पिछले वीडियो में ट्रेन बनाया था उसका कंट्रोलर कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मिनिएचर व्हीकल इंडिया चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले पहुँच सके। देखिए दोस्तों, कंट्रोलर बनाने के लिए आपको इस तरह का एक पोटेंशियोमीटर लाना पड़ेगा। ये 20K का पोटेंशियोमीटर है, आप 100K का ले सकते हैं। मेरा यहाँ पर 100K का नहीं मिला, इसीलिए मैं 20K में बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो नीचे का जो पॉइंट है वो 6 पॉइंट है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। आप वैसा ही पोटेंशियोमीटर मार्केट से खरीद के ला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, इसका जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को एक साथ सोल्डर करना है। उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में इस तरह से क्रॉस करके सोल्डरिंग करना है। तो ये कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको इस तरह से सोल्डरिंग कर लिया है क्रॉस करके। अच्छे से देख लीजिए इसकी वायरिंग को। उसके बाद हम जो ट्रेन को पावर देने वाला ये जो दो ये बीच वाले दो पॉइंट से पावर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके बीच वाले दो पॉइंट से आउटपुट निकाला है जो हमारे ट्रेन के पावर सप्लाई में जाएगा। ये जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों आउटपुट वाले पॉइंट हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बैटरी या फिर एडाप्टर से पावर देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिया है 9 वोल्ट बैटरी। 9 वोल्ट के बैटरी को यहाँ पर इसका पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव, इस तरह से हमें सोल्डर करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो बैटरी कैप है उसको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जो यहाँ के जो दो पॉइंट हैं उसके साथ इसको सोल्डर कर लिया है। ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो मोटर है या फिर जो ट्रेन को सप्लाई जाएगा ये कनेक्ट होगा और यहाँ से कंट्रोल होगा। तो इसको टेस्ट करके पहले देख लेते हैं एक डीसी मोटर के साथ। देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरफ घुमाने से ये दूसरी तरफ घूम रहा है। देखिए फॉरवर्ड में घूम रहा है और इस तरफ घुमाने से ये रिवर्स में घूम रहा है। इस तरह से ये ट्रेन को आगे और पीछे चलाने में सहायक होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए पेंटोग्राफ नहीं लगाया है बल्कि कार सीट्स को जोड़ दिया है। ये जो हमारे बनाया था कंट्रोलर, इसको एक डब्बे में मैंने डाल दिया है और इसका वायरिंग देख लीजिए आप। देख लीजिए, जो मोटर के जो दो तार थे उसको मैंने, ये जो लंबा वायर है उसके साथ ट्रेन में कनेक्ट कर लिया। तो ये कैसे काम करता है देखिए। तो
इसके बाद इसको यहाँ पर घुमाने से ये आगे पीछे जाता है। देखिए तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कोई इसके ऊपर डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।